अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नेशनल सेविंग बचत स्कीम की अहम तरीन मालूमात आपसे शेयर करते हैं। इन्वेस्टमेंट करने के बाद गायब होने वाले सार्फीन और री इन्वेस्ट न करने वाले सार्फीन खबरदार हो जाएं। जबकि शॉर्ट टर्म सर्टिफिकेट की भी शानदार मालूमात आ गई है। 3 साल बाद भी आपको मुनाफा ना मिले तो आपको क्या करना होगा? नाज़रीन, आज आपको अहम मालूमात बताते हैं, क्योंकि अक्सर सार्फीन बड़ी गलती कर लेते हैं जिसके बाद उन्हें बार बार नेशनल सेविंग सेंटर के चक्कर काटने पड़ते हैं। पुराने सार्फीन और शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट से मुतालिक बड़ी अपडेट आपसे शेयर करते हैं, मगर उससे पहले चैनल पर नए आने वाले नाजरीन से गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे घंटी के निशान को दबा दें ताकि हर आने वाली नई मालूमात आपको मिलती रहे। मोहतरम नाजरीन, आज की मालूमात आपके लिए बहुत अहम होने वाली है। नाजरीन, सबसे पहले बात कर लेते हैं शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट की, जिस पर आप 10,000 से लेकर 1 करोड़ तक इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट की मुद्दत 3 और 6 माह और 1 साल होती है। नाजरीन, शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट से अर्ली विदड्रॉ भी कर सकते हैं, यानी आप 1 माह के अंदर अपनी रकम वापस ले सकते हैं, जबकि मुनाफा आपको 3 माह पूरे होने के बाद ही दिया जाएगा। नाजरीन, अब बात करते हैं अहम तरीन मालूमात की, जो सार्फीन इन्वेस्टमेंट करने के बाद गायब हो जाते हैं उन्हें मसाइल का सामना करना पड़ सकता है, जैसा कि हमारे एक दोस्त के साथ भी हुआ। हमारे दोस्त ने 3 साल बाद भी री इन्वेस्ट नहीं किया तो उन्हें मुनाफा नहीं दिया गया। उन्होंने जब अपने अकाउंट को री इन्वेस्ट किया तो तब ही मुनाफा फराहम किया गया। नाजरीन, आपने ये गलती नहीं करनी, अपनी मुद्दत के मुताबिक री इन्वेस्ट करते रहना है ताकि बाद में कोई मसला पैदा ना हो।